साल था 1965 का, जिस समय भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि इस युद्ध की शुरुआत भारतीय सेना ने 6 सितंबर 1965 को वेस्टर्न फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघते हुए की थी। हालांकि इस युद्ध को आज वो दर्जा नहीं दिया गया है जितना कि साल 1971 में हुए युद्ध या फिर 1962 में इंडो चाइना युद्ध को दिया जाता है, क्योंकि इस युद्ध में ना तो कोई देश हारा था और ना ही कोई देश जीता था, क्योंकि दोनों ही देश आज भी ऐसा मानते हैं कि जीत हमारी हुई थी। हालांकि इस युद्ध से जुड़ा एक किस्सा है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय सेना ने हर युद्ध की तरह इस युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया, वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध के दौरान एक किस्सा और है जो हर भारतीय को जानना चाहिए। ये किस्सा है जिस समय भारतीय सेना पाकिस्तान पर चढ़ाई के लिए जा रही थी, उस दौरान सेना ने पंजाब से दिल्ली जा रहे एक ट्रक को रुकवा लिया। इस ट्रक में गेहूं की बोरियां लदी थी। उस दौरान फौजियों ने ट्रक ड्राइवर से कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ चल रही लड़ाई में आपकी हमें ज़रूरत है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक में लदी सभी गेहूं की बोरियां वहीं उतार दी और सेना को लेकर ट्रक ड्राइवर पाकिस्तान की सीमा में जा घुस गया, जिसके बाद उस ट्रक ने पाकिस्तानी सेना पर इस तरह कहर बरपाया कि सभी ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। और उस ट्रक ड्राइवर का नाम कमल नयन है, जो कि मलेरकोट के रहने वाले हैं, जो उस समय PNR 5317 ट्रक में लगभग 90 बोरियां गेहूं की लादकर दिल्ली जा रहे थे। उस दौरान सेना की एक टुकड़ी ने कमल को रोका और उनसे कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई है, हमें आपकी ट्रक की जरूरत है, जिसके बाद कमल ने ट्रक में लदी सभी बोरियों को सड़क के किनारे ही उतार दिया और ट्रक में सेना का गोला बारूद लेकर सेना की मदद के लिए निकल पड़े। इस दौरान जब कमल नयन मलेरकोट पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में सेना को लेकर पहुंचे, हर तरफ दुश्मनों की सेना थी, जिसके बाद कमल नयन ने बिना रुके सेना के जवानों को लेकर पाकिस्तानी सैनिकों पर ट्रक लेकर बढ़ चढ़ा दी। इस दौरान कई बार कमल नयन ने ट्रक को पाकिस्तानी सैनिकों पर फिल्मी स्टाइल की तरह ट्रक चढ़ाया। साथ ही कई बार कमल नयन ने खुद हथियारों पर अपनी कमान बना ली, जिसके चलते कई बार उन्होंने गोला बारूद दुश्मनों पर फेंका। जिस समय युद्ध विराम हुआ और कमल नयन वापस आए तो वो एक ट्रक ड्राइवर नहीं रह गए थे, वो इन हीरोज में से एक हो गए थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ उन्हीं की तरह आदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया था। वो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान दूसरों से तो जीत जाता है हालांकि अपनों से हार जाता है। जिस समय कमल ने भारतीय सैनिकों की मदद की थी, उनके पराक्रम और साहस को देखते हुए भारतीय सरकार ने उन्हें सेना के वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया था। साथ ही सरकार ने एक घोषणा और की थी कि सरकार उन्हें 15 लाख रुपये नकद और 70,000 रुपये सालाना देगी। हाँ, मगर अफसोस सरकार ये भूल गई, जिसके चलते कमल कहते हैं, जिस समय पाकिस्तानी सेना मेरे सामने खड़ी थी और मैं जंग के मैदान में था, मुझको किसी भी बात का डर नहीं लगा, लेकिन अब तो 5 दशक से भी ज़्यादा का वक्त निकल गया, लेकिन सरकार अपनी बातों पर खरी नहीं उतर पाई, जिसके चलते अब मैं हारा हुआ महसूस करता हूँ। साथ ही उन्होंने अपनी जिंदगी का किस्सा साझा करते हुए कहा कि एक वक्त था जिस समय 3 महीने तक अपना काम बार छोड़कर मैं देश के लिए लड़ता रहा, जिसके लिए सरकार ने मुझे सम्मानित किया था, लेकिन सुविधाएं और पुरस्कार की रकम देना सरकार भूल गई। यही वजह है कि आज के समय मैं देश के कई विभागों और बाबुओं के चक्कर काटता हूँ, अब मैं थक गया। वहीं कुछ समय पहले मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस सिलसिले में मिला था, लेकिन वहां के स्टाफ का रवैया देखकर मैं वापस आ गया। जाहिर है सरकार इस वीर सिपाही को भूल सकती है, सरकार अपने किए वादों को भूल सकती है, लेकिन हम नहीं। तभी तो हम इस वीर सिपाही को 1965 भारत पाकिस्तान का वो हीरो कहते हैं जिसका पराक्रम और साहस आज हर भारतीय के लिए मिसाल है। तो दोस्तों, आपको हमारे देश के इस वीर सिपाही की कहानी कैसी लगी, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी इंडियन ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।